आज इस वीडियो में मैं आपको चीज गार्लिक ब्रेड बनाना सिखाऊंगी। ये टेस्ट में बहुत बढ़िया और क्विक बनने वाली रेसिपी है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो मटेरियल हमें चाहिए पहले हम वो देख लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे 4 पीस ब्रेड के लिए हैं, बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, शिमला मिर्च और लहसुन, लहसुन की 3-4 कलियां हमने मैश कर ली हैं, और फिर हरा धनिया, मोजरीला चीज, रिफाइंड ओरिगैनो, बटर और देसी घी, चिल्ली फ्लेक्स और साल्ट। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में हम रिफाइंड और बटर ऐड करेंगे, चाहे तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं। फिर उसमें हम मैश किया हुआ गार्लिक डालेंगे, लहसुन, फिर उसे अच्छे से पकाएंगे। उसमें हरा धनिया ऐड करके 2 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए मटेरियल इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद हम एक ब्रेड का पीस लेंगे और उस पर इस मटेरियल को अच्छे से लगाएंगे। जैसा मैंने इस वीडियो में दिखाया है बिल्कुल उसी तरह आपको इस मटेरियल को अच्छे से सारी ब्रेड पर लगाना है। अगर आपको गार्लिक ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप इस मटेरियल को ज़्यादा मात्रा में भी लगा सकते हैं। ये देखिए हमने पूरी ब्रेड पर अच्छे से गार्लिक को लगा लिया है। इसी तरह से हम सेकंड ब्रेड पर भी इस मटेरियल को अच्छे से लगाएंगे। इसका टेस्ट ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप मटेरियल को ज़्यादा मात्रा में भी लगा सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इसी तरह से हमने सारी ब्रेड्स पर मटेरियल को फैला लिया है। अब हम इस पर बारीक कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और टमाटर डालेंगे। ये मटेरियल हमने गार्लिक ब्रेड के टेस्ट को और बढ़ाने के लिए डाला है। इसी तरह से हम सारी ब्रेड्स पर ये बारीक कटा हुआ हम मटेरियल डालेंगे। अच्छे से सारी तरफ फैला लीजिए इस मटेरियल को ताकि टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आए। ये देखिए इस तरह से हमने मटेरियल फैला लिया। इसको पकाने के लिए आप ओवन भी यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिक तंदूर का यूज़ किया है। अब इसको हम बेक करेंगे ताकि हमारी सब्जियां जो हैं अच्छे से बन जाएं। ये देखिए हमने बेक के लिए रखा, 10 मिनट तक इसे बेक करेंगे। ये थोड़ा सा बेक हो गया है, अब इसके ऊपर हम मोजरीला चीज़ डालेंगे। मोजरीला चीज़ डालने के बाद हम फिर से इसे बेक करेंगे। ये देखिए हमने सारी ब्रेड्स पर चीज़ लगा लिया है, अब इसे बेक करने के लिए रखते हैं। आफ्टर 10 मिनट्स देखिए हमारा गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर रेडी हो गया है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके ऊपर फिर हम चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो ज़्यादा मात्रा में लगा सकते हैं। इसके ऊपर फिर ओरिगैनो डालेंगे, ओरिगैनो टेस्ट को और भी ज़्यादा बढ़ाता है। ये देखिए हमारी डिलीशियस गार्लिक ब्रेड बनकर रेडी हो गई है। आप भी इसे घर पर बनाइए, मज़े कीजिए, आप और अपनी फैमिली को खिलाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।